ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, आप आपके सामने हम सवाल कर रहे हैं 20 और 30, 20 और 30 का मुझे मसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मसा, 20 और 30 का मसा ज्ञात करना है। तो 20 और 30 का मसा कैसे ज्ञात करेंगे? 20 और 30 का मुझे मसा ज्ञात करना है, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो ये आपका 20 है, ये आपका 20 और ये आपका 30, ठीक है ना। तो 20 को 2 से 2, 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 एकम 5, 2 से 2 एकम 2, बचेगा एक इसको दिया, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 20 के फैक्टर, 30 के फैक्टर, अब मुझे निकालना है मसा। तो 20 के गुणनखंड 2 2 5, 2 2 5, 30 के गुणनखंड 2 3 5, 2 3 5। तो मसा क्या होगा आपका? महत्तम समापवर्तक मसा। इस एक ग्रुप बना दो का, एक ग्रुप बना पांच का, तो क्या आ गया उत्तर? उत्तर आ गया आपका, बताइए क्या है? 5 × 10, यानी कि 10 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 10 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या 20 और 30 को, जो दी गई संख्या 20 और 30 को पूरी तरह विभाजित कर देती है। इसलिए ये 10 20 और 30 का मसा है। ओके, चलो अब संख्या बदल देते हैं। अब हम आपके सामने यहां लेते हैं 25 और 50, 25 और 50 का मुझे मसा ज्ञात करना है। चलिए देखिएगा आप 25 और 50 का मसा कैसे ज्ञात करते हैं। ये आपका 25 और ये आपका 50, है ना। दो से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, आखिरी में 5 है। 25 केवल 5 के बारे में आते हैं, पचम का 25 और 5 एकम 5, पचम का 25 और 5 एकम 5। 50 दो से देंगे, 2 दुनी 4, 2 दुनी 4, 2 दुनी 4, 5 में से 4 गया एक इसको दिया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से पचम का 25, फिर 5 से पचम का 25 और 5 एकम 5। अब आपके सामने ये जो फैक्टर निकले हैं, ये जो गुणनखंड आए हैं, इनको लिखेंगे। 25 के कौन कौन से गुणनखंड हैं? 5 5 5 5 50 के कौन कौन से? 50 के 2 5 5 2 5 5। तो आपका म और स, म से क्या हो जाएगा आपका? म से बताओ, पहला ग्रुप 5 का, दूसरा ग्रुप एक और बन गया 5 का, तो ये क्या हो गया मसा? बताओ मसा बराबर क्या? 25। मसा हुआ आपका पचम का 25, पचम का 25, पचम का 25। कठिन के सरल, चलो इसी क्रम को आगे चलाते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं।
इसी क्रम को आगे करते हैं और अब आपके सामने नया सवाल, ये नया सवाल है आपका 40 और 60 का लसा निकालना, सॉरी मसा निकालना है। तो देखिएगा ये तो 40 है, ये 40 और ये आपका है 60। ओके चलो, दो से दो दूनी चार, जीरो का जीरो, दो एकम दो, जीरो का जीरो, दो पंचे दस, पांच एकम पांच। चलिए अगला 30 वाला देखेंगे, दो तिया छः, जीरो का जीरो, दो एकम दो, बचेगा एक, इसको देंगे दो एकम दो, तीन में से दो गया, किसको दिया, दो पंजे दस, तीन से तीनों पंजे पंद्रह, पांच एकम पांच। ला बेटा चाल देना, लादे उठा के नहीं दिख रहा हूं। चलो 40 और 60 के अब जो गुणनखंड हुए हैं वो हम लिख रहे हैं। देखिएगा आपके सामने ये हमने लिखे हैं 40 के गुणनखंड कौन कौन से हुए, दो दो पांच, दो 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 पांच, दो 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 पांच, और 60 के, 60 के दो दो तीन पांच, दो दो तीन पांच। तो मसा क्या होगा आपका, मसा क्या होगा बताओ, एक जोड़ा ये बना पांच का और एक ये बना दो का, एक ये भी बना दो का, तो मसा बोलो क्या हुआ, पांच दूनी। बोलो भैया रोटी नहीं खाई क्या, सरकारी रोटी खा नहीं, पांच दूनी दस, दूनी ये आपका 20। उत्तर आया कि नहीं आया, 20 का 40 में पूरा भाग जाता है कि नहीं, 20 का 60 में पूरा भाग जाता है कि नहीं, 20 का 40 में पूरा भाग जाता है कि नहीं, 20 का 60 में पूरा भाग जाता है कि नहीं, 20 दिया 60, 20 दूनी 40, इसलिए 20 आपका मसा है। कठिन है के सरल है, सरल सरल है।